नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव व पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा पहुंचे। नामांकन करने पहुंचे चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री देश के हितों में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने देश को जात पात में बांटने का काम किया है। इस मौके पर विधायक अभय यादव ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार आपके हितों के लिए फैसले लेती आ रही है। आपके सहयोग से काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नोटबंदी करें और नोटबंदी के लिए केवल दो नंबर के जो नोट थे जिसके पास, आम आदमी के पास एक नंबर का पैसा था, लेकिन दो नंबर वालों ने बहुत चिल्लाए, बहुतों ने तो पानी में समुद्र में पैसा फेंक दिया और बाकियों को कहा कि मेरे तो आधा में बदलवा दे, आधे तू रख लेना। ये था प्रधानमंत्री जी का नोटबंदी। उसके बाद एक जीएसटी लगाई, टैक्स के नाम से बहुत बड़ी कंपनियां इस देश को लूटती थी, क्योंकि अलग अलग टैक्स के नाम थे। वहां के तौर पर हम सीताराम धर्मशाला के जब सियार के खोल दे, कौन आया, कौन गया, कौन लेके गया, कौन खा के गया, कौन सामान कितना निकाल के लेगा, पता निकलता था। जब एक गेट होगा, एक जीएसटी होगी तो पता लग जाता है टैक्स की चोरी कौन कर रहा है। और आप हैरान रह जाओगे, 2013 का कांग्रेस का बजट तो सारा देश का पैसा इकट्ठा होता था, खजाने में जो जमा होता था केवल 18 लाख करोड़ रुपया सारा नंबर 18 लाख करोड़ रुपए का। और आज जीएसटी का प्रबंध करने पर 49 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है एक साल। ये पैसा कहां गया आप अंदाजा लगा सकते हो। देश में तकरीबन 2.5 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, 2.5 लाख फर्जी कंपनियां, क्योंकि ऑनलाइन हो गया बैंक का, आधार कार्ड से जोड़ दिया और वो फर्जी कंपनियां तैयार करती थी। एक साल में 30-31 लाख रुपया अपनी जेब में डालती थी, 30-31 लाख करोड़ रुपया, थोड़ी अमाउंट नहीं होती। और कैसे करती हैं, कोई आदमी दुबई में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है और उसने कंपनी बना ली मानव की दुकान के नाम पर, महेंद्रगढ़ की दुकान के नाम पर, और उन कंपनियों का कारोबार क्या है। जब वो सामान लेते हैं कपड़ा या पत्ता, कपड़ा लत्ता लोहा, असली सामान नहीं लेते, मिट्टी और भाठे डाल के भेज देते हैं और बाद में भेज देते हैं कि हमने इतना सामान भेजा है और सरकार से विवरण करवा लेते उस टैक्स को तो रिबेट था, वो पैसा उनके पास आ जाता। ऐसी बहुत सी कंपनियां 2.5 लाख के आसपास की कंपनियां जब पकड़ना आई तो ये बजट 18 लाख करोड़ से 49 लाख करोड़ पर पहुंच गया। जिसके गैन में एक्स कटे लाकन चौधरी धर्म के पिताजी चौधरी भले राम जी का निधन हुआ था, धर्मवीर आक्रमणात्मक समझना। ये सरकारी आपको वोट दे करके जिनके मां बाप नहीं रहते, ये समाज उनकी सुरक्षा करता है, करेंगे ना चौधरी धर्म। तो सारे एक बार आंखें फाड़ के देखते हैं कि क्या वो वही नारायण चौधरी है जो 2014 से पहले। मंत्री जी आप भी तीसरी बार बड़ा, तो मुझे मैं सिर्फ आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई सरकारों के फैसले आप लोगों के हाथ में होते हैं और इस तरह के फैसले इतनी इस वक्त मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी को इस क्षेत्र के वोट का हक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र की तस्वीर बनाई। और एक बात की कसर रह रही है औद्योगिक विकास की। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक मौका 5 साल का और दे दो, हमारी सारी कसर 5 साल में निकाल दूंगा।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।